सामने आए वीडियो में एक स्कॉर्पियो दिखाई दी जिसमें बैठकर बदमाश भागते नजर आए। पंखा थले हंजुआ दे टैटू छापे ने बंदे नरक का पूरे पर बह गए। भैया जी स्कॉर्पियो क्या लेना चाहते हैं? गाड़ियों की दुनिया में इकलौती ऐसी गाड़ी जिसको बड़े पापा के नाम संबोधित किया जाता है। आप चाहे जितने ही शरीफ परिवार से आते हो लेकिन जब इसके अंदर बैठोगे ना मन करेगा अपनी स्कॉर्पियो किसी के ऊपर चढ़ा दो। स्विफ्ट वाले को उतार के दो तमाचा मारे, जिस रोड से निकलोगे वो रोड तुम्हारे बाप की हो जाएगी। और कहीं काली स्कॉर्पियो लेके उसका शीशा काला करवा लिए ना, प्रशासन भी हाथ देने से पहले दो कदम पीछे लेगा कि ऐसा ना हो किसी विधायक या सांसद की गाड़ी निकल जाए, हमारी नौकरी चली जाए। भाई फर्क नहीं पड़ता तू कितनी बड़ी हस्ती में है, भाई तेरा पहले भी मस्ती में था और अब भी मस्ती में। भी सामने आए ना तो वो भी शर्माए कि मैं किस बादशाह को लेने आई। घूमते हो जिन्हें भाई बोलते हो ना वो कैसे बदमाश और गुंडे से लगते हैं। वो सिर्फ लगते ही नहीं है भी। हर तरफ मचेगा शोर जब हम मार्केट में लाएंगे 4x4। हम दोनों की यारी तोड़ना मजाक थोड़ी है, जय और वीरू से भी ज्यादा पक्की हमारी जोड़ी है। जय और वीरू वाली जोड़ी जिंदगी बनगी सोले रे चल। नहीं यार क्या कर रहे हैं आप है? ऐसे नहीं, एक पर्सनालिटी है यार, स्टाइल है, एकदम हीरो टाइप। स्कॉर्पियो की एक ऐसी इमेज है कि मतलब काली स्कॉर्पियो की तो स्पेशली कि भाई गुंडे उतरेंगे इस गाड़ी में से, तो उतरेंगे तो चार पांच मिलेंगे डोले सोले वाले और लट लेके उतरेंगे। मतलब तो वो आवाज सही, हमारा अंदाज ही कुछ ऐसा है, देखने वालों को क्यूट और चलने वालों को एटीट्यूड लगता है।